भाजपा ने झूठे वादे कर देश की जनता को लूटा है और कांग्रेस ने आज तक विकास के नाम पर राजनीति की है। ये बात सीपीएस सोहनलाल ठाकुर ने सुंदरनगर में आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए कही। ब्लॉक कांग्रेस सुंदरनगर की चुनावी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। वहीं ब्लॉक कांग्रेस सुंदरनगर ने कृषि विभाग के सामुदायिक भवन में कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें सुंदरनगर के विधायक व प्रदेश सरकार के सीपीएस सोहनलाल ठाकुर ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस मौके पर सीपीएस सोहनलाल ठाकुर ने कहा कि भाजपा ने झूठे वादे कर देश की जनता को लूटा है और कांग्रेस ने आज तक विकास के नाम पर राजनीति की है। वहीं उन्होंने कहा कि आने वाले चुनावों में कांग्रेस विकास के दम पर चुनाव लड़ेगी, एक बार फिर सत्ता हासिल करेगी। वहीं इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम में भारी संख्या में मौजूद कार्यकर्ताओं को प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को लोगों के घर घर तक पहुंचाने के लिए आह्वान किया। लेकिन आज क्योंकि अब चुनावी बहुत नजदीक है, हम इस सम्मेलन के तहत आने वाले समय में ये जो इलेक्शंस हैं इसकी रूपरेखा के लिए इस सम्मेलन को, सक्रिय कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को यहाँ बुलाया गया है, ताकि कार्यकर्ता आने वाले समय के लिए अपने आप को तैयार करें और जो हमारी सरकार ने 3-5 वर्षों में विकास के कार्य किए हैं उनको जन जन तक पहुंचाए। क्योंकि अभी की बात नहीं है, जब जब प्रदेश में इलेक्शन हुआ है कांग्रेस पार्टी ने मात्र विकास के मुद्दे पर इलेक्शन लड़ा है और मैं बड़े ठोस इस बात को कहता हूं कि यदि जो ये इलेक्शन है को विकास के मुद्दे पे लड़ा जाएगा तो निश्चित तौर से हमारी कांग्रेस पार्टी दोबारा सत्ता वापसी करेगी।